कांग्रेस पार्टी देश भर में छात्रों, युवाओं और नागरिकों के खिलाफ भाजपा सरकार के क्रूर दमन पर अपनी गहरी पीड़ा और चिंता व्यक्त करती है। भाजपा सरकार के विभाजनकारी एजेंडे और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देशभर के विश्वविद्यालयों और अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थानों में स्वाभाविक तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोकतंत्र में लोगों को सरकार के गलत फैसलों और नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। इसी प्रकार सरकार का भी कर्तव्य है कि वह नागरिकों की बात सुने और उनकी चिंताओं को दूर करे। दुख की बात यह है कि भाजपा सरकार ने लोगों की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। यही नहीं, उनकी असहमति की आवाज को कुचलने के लिए बर्बरता से ताकत का इस्तेमाल किया है। लोकतंत्र में यह कतई स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकार की हरकतों की पुरजोर निंदा करती है और न्याय की लड़ाई में भारतीय नागरिकों और अपने छात्रों के साथ एकजुट होकर खड़ी है। नागरिकता संशोधन कानून भेदभावपूर्ण है। नोटबंदी की तरह एक बार फिर एक एक व्यक्ति को अपने और अपने पूर्वजों की नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर पर NRC समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। लोगों की आशंकाएं सही और जायज है। कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों को भरोसा दिलाती है कि वह उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े होने और हमारे संविधान के बुनियादी मूल्यों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जय हिंद।